सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा ओ सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड श्लोके दुर्गा शिववाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायणे करोहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शिवमेव प्रवक्ष्यामि सर्वेण साधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। नाम विजयता से देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षभेतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतेर्वशुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा सचित्ता। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेषे सर्वशक्ति समन्विते वैभस्वायिनो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगानशेषा नपांसि दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणाम् श्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मभैर्विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामे शनश्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वे भव प्रीता भवानी भवमोचनि आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारणि विनागधारणे चित्रा चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिता चितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपणि अनन्ता भावने भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा
सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञा विनाशने अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावते पट्टाम्बरपरिधाना करमञ्जीररञ्जने अमेया विक्रमा क्रूरा सुन्दरे सुरसुन्दरे वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरे चन्द्रे कौमारे वैष्णवे तथा चामुण्डा चैव वाराये लक्ष्मी च पुरुषाकृते विमलात्कर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्याय बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहन विशुम्भशुम्भहनने महिषासुरमर्दने मधुकैलवाद्रे च चण्डमुण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदा नवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकासस्य धारणे कुमारी चैककन्या च कैशोरे युवते यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वालारौद्रमुखे कालरात्रे तपस्वने नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरे शिवदूते कराले च अनन्दा परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने या इदम् प्रवरे नित्यम् दुर्गा नाम शताशकम् न साध्यम् विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वते धनम् धान्यम् सतम् जायाम् हयम् हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम् तथा चान्ते लभेन्मुक्तिम् च शाश्वते कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजयत्वया भक्त्या पदे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासताम् यान्ति राज्यशिरमवाप्नुयात् घोरचनालक्तकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलक्ष्यन्दम् विदिना विजज्ञ भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्य निशामग्रचन्द्रे सर्वेषाम् गते विलक्ष्य प्रवडे स्तोत्रम् स भवे सम्पदाम्बदम् ॐ इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्याः कवचम् ॐ अस्य कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्ठन्दः चामुण्डा देवता अङ्गनासमादरा बीजौ देवन्ददेवता सत्त्वौ श्रीजनदम्बावृत्यर्थे सप्तशदेवाडागत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ जगयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्याचिदाख्यातं तन्मे भोहे वितामह ब्रह्मवाच हस्तिगुयतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्
देव्यासोकमजं पुण्यं तशरणश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डयते कौष्माण्डयते चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमादयते षष्ठं कात्यायणेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाशमम् नवमं सिद्धिदात्रे च नव दुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अनिनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतारणे विषमे दुर्गमे जैव भयातः शरणं गताः नादेशां जायते किञ्चित् अशुभवर्णसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ये सुभक्त्या सुदानूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेषु रक्षसेतान संशयः वेदसंस्थातु चामुण्डा वाराहि महिषासन वैद्यगसमारूढा वैश्वमे गरुडासन माहेश्वरे वृषारूढा कौमारेषु वाहन लक्ष्मी पद्मासना देवे पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवे ईश्वरे वृषवाहन ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामासरा सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नापशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्याः गोधा समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शतं हरं च मुसलायुधं खेरं तामरं चैव पाशं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्याणां देहनाशाय भक्तानामभयाय च कार्यन्द्रायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्ते सो महारद्र महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साह महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष शत्रूणामयवर्धिनि प्राचारक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेऽवतु वाराहि नैऋत्यां खद्धारिणि प्रति च वारुणे रक्ष वायव्या मृगवाहिणि उरि च पातु कौमारे येषानां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्तादशवे तदा एवं दशो रक्ष चामुण्डाशवाहन जया मे जागता पादो विजया पादो पृष्ठतः अजिता वाम पाशतो दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योधने रक्ष उमामूर्ध्ने व्यवस्थिता मालाधरे लाट च भुवो रक्ष दशस्वने त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये जमघण्टा जनाधिके शङ्करे चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोद्वारमासिनि प्रभवकालिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च चर्चिका अदरे च मृकला हिब्बायां च सरस्वती दन्ता रक्षत कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे च मुखं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला देवायां भद्रकाले च वृषभंश धनोधरे नीलग्रीवा बहि कण्ठ नलितां नलकोबरे स्कन्दगणगणे रक्ष बाहो मे वज्रधारणे हस्त्योदण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नकाञ्चुलेश्वरे रक्ष कक्षरक्ष कुलेश्वरे तदा रक्ष महादेवे मणाशोकविनाशने हृदये ललिता देवे उदरे शूलधारणे नाभोजकामणि रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरे तदा ओदना कामिका मेडङ्गुदय महिषवाहिणि कट्यां भवदे रक्ष जानुणे विन्ध्यवासने
जन्य महामदारक्ष सर्व काम प्रदायने गुल्फयो नारसिंहे च पादपृष्ठदुदेजसे पादाङ्गुलेषु शीलक्ष पादादस्तलवासने नरान्तश्लाकराले च केशाञ्च बद्धकेशणे रोमकोपेषु कौबेरे त्वजं बागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामास्यान्यस्ति मेधान्ति पार्वते अन्त्राणि तालरात्रिश्च वित्तं च मूढेश्वरे परमावदे ब्रह्मकोशकवचोरामणे सदा ज्वालामुखेन ज्वाला अवैध्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि वैरक्ष छायां शत्रेश्वरे तदा अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्षन्मे धर्मधारणे प्राणापाणो तथा व्याणमुदानं च समानकम् वज्रहस्तान् वैरक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगणे सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयुः रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुन्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षभैरवे पन्थानां सर्वदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा रायद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं दुयासानं वर्जितं गवजनतो सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशने परमेकं न रक्षतो जलश्च शुभमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं कन्दं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमदलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्यः सङ्गामेषु पराजितः त्रैलोक्ये दुर्बले पूजा कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामवेदुर्लभम् यावने प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं शद्यान्वितः देवी कलावते तस्य त्रैलोक्येश पराजितः जीवे वर्षदं जाग्रमवमृत्यो विभर्जितः कर्षन्ति व्याधया सर्वे लोदा विस्फाटगादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभियद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराक्षरा चैव जलजा चोपदेशिकाः सजा पुरजा माला डाकणेशा गणे तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकिण्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो न दीर्भवैराग्यस्ते च वृद्धिकरं परं यस्य वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्त सशैलवनकाननम् तावत्तिष्ठ मेदिन्यां सन्तते पत्रपात्रके देहान्ते परमं दानं यत्सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन मोदते ॐ अथार्गलास्तोत्रम् अस्य श्रीअग्लासोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः परष्टुच्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजदम्बापीतये सप्तशतीपाणाङ्गत्वेन
जपेवणयोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गाक्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सदा नमस्ते जय त्वं देवि चामुण्ड जय भूतादिहारणे जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमस्ते मधुके नवविद्रावि विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुहृदे नमः रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि रक्तबीजावधे देवि चण्डमुण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि शुम्भस्यैव न शुम्भस्य दुम्राक्षस्य यमर्दने रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि वन्दिताङ्गे दुहे देवि सर्वसौभाग्यदायणे रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि अजन्तरूपजर्दे सर्वशत्रुविनाशने रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि नगेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि चण्डिके सदनं जयत्वामर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं शुभम् रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि विदेहि दशतां नाशं विदेहि फलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि विदेहि देव कल्याणं विदेहि परमाश्रयम् रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि सुरासुरशुरो रक्त निकृष्ट चरणयम्बिके रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि विद्यावन्तं जशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरु रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि प्रचण्डजस्य दर्पणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि चतुर्भुज चतुर्भक्त संसुत परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि कृष्णेण संसुते देवि शश्वत्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि हिमाचलसुदानाथ संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि इन्द्राणि भजितद्भाव पूजित परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि देवि प्रचण्ड दोदण्ड दैत्यदर्पविनाशनि रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि देवि भक्तगणोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि तारिणि दुर्गसंसार सर्वरस्य कुलद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महातोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती सङ्ख्या भर्मा पुनौति सम्पदाम् ॐ अथ कीलकम् अस्य श्रीकीलमन्त्रस्य शिवर्षि अनुष्ठचन्द्रः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन
श्रेयाप्राप्तनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्यानेयमन्त्राणामभिकेलकम् सोऽभिक्षमवाप्नोति सततं याप्य तत्परः चिन्त्यन्तु चारणादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुभतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्त्राणोऽकृतं तत्र न किञ्चिदभिद्यते विना जापेन सिद्ध्यत सर्वमुच्चारणादिकं समग्रानभिसिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमामः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभं स्वत्रवे चण्डिकायासु तच्च गुप्तं जगारसः समाप्तेरय पुण्यस्य ताव्यधावण्यन्त्रणाम् स्वभिक्षमवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायामाचतुर्दश्याम् अष्टम्यावासमाहितः ददाति प्रगृह्णाति नाटदेशा प्रसीदति इत्थरूपेण केलेन महादेवेन केलितम् योनिष्किलां विधायेण नित्यं जगति संस्फुटम् स सिद्धः सगणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापृतस्तस्य भयं कोऽपि अजायते न भवितोपशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति सौभाग्याद्देव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिरज्ञे दर्शते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभं शनेषु जप्यमाणे स्तोत्र सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्र सारेण सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षात् श्रूयते सारकिञ्चने ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। इस स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र जय जय हे वैचासुरमर्दिनी
ब्रह्म कमल दिन शैल सुदय आयन दुर्बल शास्त्र बरोदित दुर्दर दिन दर्शत विदय चतुर चारु दुरे न महाशिव दूतक प्रमदाधिपते दुर्न दुरे अधुराशय दुर्मति दानव दूतक दान मते जय जय हे मय चादुर मदिन ब्रह्म कपल दिन शैल सुदय अयर नागद वैर बदो बल धीर बराबर दाय कर त्रिभुवन मातन शूल विराज शिरोधिक दामल शूल कर तुम तुम दामर तुम तुम नाद महो मगरे कर मगरे जय जय हे मय चादुर मदिन तारक संगर तारक सोन सुदे सुरत
भरतमलं करुणानिलये भरिवक्षयोनिदनाञ्जनं अयि कमले कमलानिलये कमलानिलया जगदं न भवेत् परमेव परं परमित्यं शीलयतो मम किं न शिवेत् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि नन्दकपर्दिनि शैलधर कर 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 जिन्तु जनर्दन जिन्जन देवनरन्न भवम् शरणं शरणं करवाणि निवासि शिवम् जय जय हे वैशासुरमन् रम्यक परदिन शैलसुतय नव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किं कुरु रघुरेन्दुमुखे सुमुखे विरसो विमुखे क्रियते मदं शिवनामधने भवते कृपया किमद क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक परदिन शैलसुते मयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्य मे मयि जगतो जननि कृपया धियदासि सदानमितासिरते मात्र भवक्तुरी कुरुता दुरुतापम पाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदिनि शैलसुते रम्यकपरदिनि शैलसुते रम्यकपरदिनि शैलसुते। भक्ति अनभी अंत में कृष्ण पर 30 बार क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध शास्त्रानि चयन्ते अनिशमया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवानं न जानामि श्रद्धालु भक्तजन 3 बार ओंकार अक्षय गणनाद करेंगे। एक साथ उच्च स्वर से
लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओंकार रख का नाद कीजिएगा। संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार, ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया जोता वाली माता तेरे सदा, जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। किंग भर्ण्याम तव रूपम चिंतमेतत्, किंग चादि वीर मसुर खय कारी भूरी, किंग चाहवेशु चरितान तवाद्भूतानि सर्वेशु देव्य सुर देव गणादिकेशु। देवी, आपके इस अचिंत रूप का, अश्रु का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट की हुई आपके अद्भुत चित्तों का हम किस प्रकार वर्णन करें। हेतु समस्त जगताम त्रिगुणावि दोषेर न ज्ञाते हरिहरादि विप्रपारा सर्वाश्राके जगदंश भूत मव्याकृता ही परमा प्रकृतिस्तुमात्या। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है, आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु, महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते, आप ही सबका आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता पर आप प्रकृति हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। इस धरातल पर जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं, स्वयं देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर, दैत्यों पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट का लान पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन दे करके उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के दूर किया है। आप जानते हैं कि जब वसुदेव जी के घर में देवकी के गर्भ से कृष्ण जी का जन्म हुआ और वसुदेव जी कंस के भय से उनको गोकुल में ले गए और दूसरे दिन गोकुल में बड़ा उत्सव मनाया गया नंद के जहां, और उधर नारद जी ने कंस को जैसा बता दिया कि गोकुल में जितने भी नंद इत्यादि गोप हैं जैसे भी देवताओं के अंश हैं, इसलिए कंस भयभीत हो गया था। और उधर फिर जब कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में ही पूतना धेनुकासुर, वत्सासुर इत्यादि राक्षसों का वध कर दिया, महाबली केशी को मार दिया, खेल खेल में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, तब कंस ने समझ लिया कि मेरी मृत्यु भी निश्चित है। तब इस प्रकार उसने बलराम तथा कृष्ण के दोनों भाइयों का वध करने के लिए अक्रूर जी को धनुष यज्ञ के बहाने
गोकुल भेजा और अक्रूर जी दोनों को रथ में बिठा करके मथुरा ले आए। वहां कृष्ण ने धनुष को तोड़ा, कुबलापीठ हाथी का वध किया और लीला पूर्व कंस को केशों से पकड़ करके उसका वध कर दिया। तब कृष्ण ने अपने माता पिताजी को कारागर से मुक्त करवाया, वसुदेव जी उनका उपनयन संस्कार करवाया और दोनों भाइयों को सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा, जहाँ 12 वर्ष की अवस्था में ही दोनों भाई सभी विद्या में निष्ठात हो गए। उधर जब जरासंध को पता चला कि उसके जमादा कंस का वध हो गया, तब उसने 17 बार जो मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु 17 बार ही कृष्ण ने सम्रांगण में उपस्थित होकर उसको पराजित किया। तब जरासंध ने काल जवन को वहां आक्रमण करके भेजा। उस समय कृष्ण ने जो नागरिकों से कहा कि जरासंध का हमें सदैव यहाँ भय बना हुआ है, इसलिए हमको ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं हो। जिस प्रकार शंकर जी कैलाश पर्वत रहते हैं, भगवान विष्णु खीर सागर में रहते हैं, इसी प्रकार कृष्ण जी बता रहे हैं कि रैवत पर्वत के किनारे, समुद्र के किनारे द्वारकापुरी है, वहाँ हमको चले जाना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। इस प्रकार सभी यादवगण बैलगाड़ी में सामान लाद करके कृष्ण जी को आगे करके द्वारकापुरी में गए। वहाँ कृष्ण ने द्वारकापुरी का जीर्णोद्धार कराया और कृष्ण जी स्वयं मथुरा में आकर के रहने लगे। वहाँ काल जनु को आया देख करके कृष्ण जी उसके आगे आगे चले और वहाँ पहुंचे जहाँ राजे मुर्गुन जी सो रहे थे। उनको देख कर कृष्ण जी छुप गए और काल जब ने आकर समझा कि कृष्ण जी सो रहे हैं, उन पर पद का प्रहार किया। तब मुर्गुन जी ने उनको योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। उस समय कृष्ण जी उनके सामने खड़े हुए, मुर्गुन जी उनको प्रणाम किया और वो वन में तपस्या करके चले गए। उधर रुक्मिणी का स्वयंवर शिशुपाल के साथ हो रहा था, परंतु रुक्मिणी दुर्गा मंदिर के पास कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, जहां से उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया और राक्षस विधि के साथ उसके साथ विवाह किया। कृष्ण की अन्य पटरानियां जिनमें मित्र बिंदा, नागनजीति, जाम्बवती इत्यादि थी, जिनमें रुक्मिणी ने देखने सुंदर प्रद्युम्न पुत्र को जन्म दिया, जिसका प्रसूति गृह से शंभरासुर ने हरण कर लिया। अपने प्रथम पुत्र के हरण पर कृष्ण दुखी हुए और उन्होंने दुर्गा माता की शरण ग्रहण की और प्रार्थना की कि हे माँ, मैंने बद्रिकाश्रम में धर्म पुत्र के रूप में आपकी आराधना की थी, क्या मेरी उस जो भक्ति को आप ने विस्तृत कर दिया आप भूल गई हैं? मेरे किस दोष के कारण मेरे पुत्र का हरण हुआ, जबकि मेरी नगरी चारों ओर दुष्ट खाइयों से सुरक्षित है और बीच में मेरा भवन है, फिर भी मेरे पुत्र का हरण हो गया, यह आपकी माया का खेल है। जब मैं इसको नहीं जान पाया तो दूसरा कौन जान पाएगा, क्योंकि मेरे जन्म से पूर्व ही आपने माता देवकी के गर्भ से जो बलराम जी का जो संकर्षण किए करके रोहिणी के घर में डाल दिया था, जबकि वो अपने जो पति से दूर थी। पहले आप पुत्र जन्म का सुख देती हैं, फिर उसको छीन करके दोगुना दुख भी दे देती हैं और इसकी माता कुर्री पक्षी की भांति मेरे पास बैठ करके विलाप कर रही है, जिसको देख करके मेरा दुख दोगुना हो जाता है। हे माँ, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो मुझे बता दो, मैं अंबिका यज्ञ करूँगा, नवरात्र व्रत करूँगा। इस प्रकार असाध्य से असाध्य कार्यों को भी सहज भाव में करने में समर्थ कृष्ण को माता जी ने जो स्तुति का श्राप है, जिसको शंभरासुर पुसोदी गिर से हरण करके ले गया है। 16 साल का होकर वो शंभरासुर का वध करके आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार वरदान देके प्रचंड पराक्रम से संपन्न दुर्गा माता अंतर्धान हो गई और कृष्ण जी भी जो सुखी हो गए। कहने का तात्पर्य यही है कि हम भक्ति नहीं, स्वयं अवतार भी जब संकट पड़ जाते हैं या वे भी इन्हीं दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो हम लोग क्यों करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, विशेष रूप से इस कली काल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी जो आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बहरी हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार प्राकृत रूप से विराजमान गणपति जी महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है,
चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे 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 सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय करा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी के बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मनिंद्र जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंद्र। जय करा श्यामली राम बोल सच्चे दरबार की जय। शेरावाली माए तू कर्म कीता मेरी जिंदगी नु स्वर्ग बना दिता। मैं दुनिया ते रुलदा फिरदा सी तू खोटे सिक्के दा मुल पवा दिता। माइए मैं खाली नहीं जाना 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 माइए मैं खाली नहीं जाना। हो तेरे परे पंडारे जो रहमत दे द्वारे जो माइए मैं खाली नहीं जाना खाली नहीं जाना माइए मैं 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 खाली नहीं जाना। तेरे परे पंडारे जो रहमत दे द्वारे जो खाली नहीं जाना आइए मैं खाली नहीं जाना आइए मैं खाली नहीं जाना आइए मैं खाली नहीं जाना। बुझा दे मैं आग लगाई तेरी नैना दी प्यास बुझा दे ओ एक बार मां शेरा वाली मैनू अपना दर्श दिखा दे एक बार मां शेरा वाली मैनू अपना दर्श दिखा दे ओ मेरा रोम रोम कुरलावे ओ तेरा ही ध्यान लगावे माइए मैं खाली खाली नहीं जाना आइए मैं खाली नहीं जाना
नहीं जाना द्वारा छट के माइए मैं खाली नहीं जाना 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 माइए मैं खाली हारनी माए तू पक्षन हारनी माए पूरन हारनी माए तू पक्षन हारनी माए सर का तो सोना लगता तेरा दरबार नी माए सोना लगता तेरा दरबार नी माए मैं पर हाजरी तेरी तू सुन ले माइए मैं खाली नहीं जाना माइए मैं खाली नहीं जाना माइए मैं खाली नहीं जाना मैं जाना नहीं जाना माइए मैं खाली 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 नहीं जाना बच्चों पे कृपा कर दे जगत रचावन वाली बच्चों के कृपा करके जगत रचावन वाली हो सू सब दे परे पंडारे मेरी क्यों झोली खाली सब दे परे पंडारे मेरी क्यों झोली खाली हो कोई होर नहीं है मेरा मैं लड़ फड़े आए तेरा जाइए खाली नहीं जाना आइए मैं 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 खाली नहीं जाना मेरे परे पंडारे जो रहमत दे बारे जो माइए मैं खाली नहीं जाना चलो ओ माइए मैं खाली नहीं जाना माइए मैं खाली नहीं जाना नहीं जाना माइए मैं खाली नहीं जाना माइए मैं खाली नहीं जाना नहीं जाना माइए मैं खाली नहीं जाना माइए मैं खाली नहीं जाना नहीं जाना माइए मैं खाली नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना माइए मैं खाली 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 नहीं जाना जयकारा शेरा वाली दा सच्चे दरबार की जय एक बेन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय सत्य की ज्योति धर्म दादी जानू जाला I'm
जगी ज्योति धर्म का दीपक जान उजाला
दरबार की जय। एक बयान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा श्री राम बलिदा बोल सच्चे दरबार की। मैं बचड़ा तेरा दरदा निमाए मैयान डिगादर तेरे कुल दुनिया दी मालिक तुयो मैया पाग जगाद मेरे मैया पाग जगाद मेरे मेरी शेरा वाली माँ नैन मेरे रोंदे ने नैन मेरे रोंदे ने मेरी माँ नैन मेरे रो
दुल के कजल दी शाही कुल कुल के नैना दिया सिद्धिया तू दुल के कजल दी शाही कुल कुल के नैना दिया सिद्धिया तू दुल के कजल दी शाही कुल कुल के नैना दिया सिद्धिया तू कुल के एक एक हंजू दिग दादा थी एक हंजू दिग दादा माला के तेरा ना मैन मेरे रोंदे ने ओ मेरी शेरा वाली मां मैन मेरे रोंदे ने मैन मेरे रोंदे ने तू नजर ना आवे तकदे तकदे कदे नी थकदे नैन मेरे मां तैनू तकदे 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 कदे ना थकदे नैन मेरे मां तैनू तकदे 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 कदे नी ओ थकदे नैन मेरे मां तैनू तकदे 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 कदे ना थकदे चरनी लाल सानू दाती चरनी लाल सानू दाती साटी फड़ ले बा मैन मेरे रोंदे ने तरती गोद संभाले को अथरू गिनिया वाले डिग दे अथरू गोद संभाले कोसा 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 अथरू गिनिया वाले डिग दे तरती गोद संभाले कोसा अथरू गिनिया वाले जो गिर जाए तेरी नजरों जो गिर जाए तेरी नजरों तू केड़ी था नैन मेरे रोंदे ने मेरे शेरा वाले मां नैन मेरे रोंदे ने नैन मेरे रोंदे ने तेरी याद च शेरा वाली दरबार की जय एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल जी जय कर शेरा वाली दरबार की जय शेरो वाले बुला लो हमें भी द्वारे आए के कबे नहीं है
बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है, हम गुनहगार है माफ कर दो, सर झुकाने के काबिल नहीं है, हम गुनहगार है माफ कर दो, सर झुकाने के काबिल नहीं है। परेशान किया है, गम ने मारा है, गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है, गम ने मारा है, गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है, गम ने मारा है, गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है, दब चुके हैं, सर उठाने के काबिल नहीं है, हम इस कदर दब चुके हैं, सर उठाने के काबिल नहीं है, शिरोवल बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है, शिरोवल बुला लो हमें भी, द्वारे काबिल नहीं है, गर्दिशों में हम ऐसे फंसे जैसे बाग में चंदा छिपा है, वो गर्दिशों में चंदा छिपा है, गर्दिशों में ऐसे फंसे हैं जैसे बादल में चंदा छिपा है, ओ गर्दिशों में हम ऐसे फंसे हैं जैसे बादल में चंदा छिपा है, उठा रहा है जमाना, जुल्म उठा रहा है जमाना, खुशी
किसी से उनको परवाह नहीं है जमाना रूठता है तो रूठे खुशी से काबिल नहीं है फिर वाले बुला लो हमें भी बजाने के काबिल नहीं है फिर वाले बुला लो हमें भी बजाने के काबिल नहीं है झुकाने के काबिल नहीं शेरों वाले बुला लो हमें भी द्वारे आने के काबिल नहीं है शेरों वाले बुला लो हमें भी द्वारे आने के काबिल नहीं है द्वारे आने के काबिल नहीं है द्वारे आने के काबिल नहीं है
काबिल नहीं है, तुम्हारे आने के काबिल नहीं है। जयकारा श्री राम लीला, वो सच्चे दरबार की जय। प्रातर नमामि महिषासुर चंड मुंड सुम्बासुर प्रमुख जय त्रिविनाश दक्षां ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनिमो हनशील लीला चंडी समस्त सुरमूर्ति मनेक रूपा सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिक्रमादित्य शुभ संवत 2076 उत्तरायण उत्तरगोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास की आज 18 प्रविष्टे हैं। कृष्ण पक्ष आज द्वादशी तिथि है, बुधवार तदनुसार प्रथम मई सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के इस दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी धर्म दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं भवपुत्रलाभं चत्समत्सं दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने, आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तजन उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम दशा की आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निश दिन दावत मैया जी को निश दिन दावत हरे ब्रह्मा ओम जय अम्बे को मृग मल गो चलते दो नैना ओ चलते दो नैना चंद्रवदनी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेव रक्ता पर राजे भैया रक्ता पर राजे पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंकण पर धाजे ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राज खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभे दाता के मोती मैया दाता के मोती कोटिक चंद्र दिवाकर चंद्र दिवाकर समराज ज्योति ओम जय अम्बे चातुर
दुर्गाती मैया महिषा दुर्गाती धूम्रविलोचन नैना धूम्रविलोचन नैना निज दिन आयत ताल मृदंगा आयत ताल मृदंगा और वाजत डमरू ओम जय अम्बे तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता दुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार अति योग वर मुद्रा धारी मैया वर मुद्रा धारी मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री प्रहलाद महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। वे इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी। रल मिल बोलो जय माता दी। आवे बेला जय माता दी। काला बेला जय माता दी। आरती बेला जय माता दी। आप बुलंदी जय माता दी। कटकटानी जय माता दी। मेरा कदी जय माता दी। झोलिया भरनी जय माता दी। भरे खजाने जय माता दी। चोला अटे जय माता दी। जय माता दी। वीर दंदी जय माता दी। लाल जाओ जय माता दी। पाणे चुनिया जय माता दी। जी गुरु जय माता दी। जय माता जी। कालकदा जी जय माता जी। जोता वाली जय माता जी। लाटा वाली जय माता जी। टोलियां वाली जय माता जी। चूड़ियां वाली जय माता जी। चूड़ियां वाली जय माता जी। हारा वाली जय माता जी। हारा वाली जय माता जी। गड्डिया वाली जय माता जी। गड्डिया वाली जय माता जी। हारा वाली जय माता जी। चूड़ा वाली जय माता जी। चूड़ा वाली जय माता जी। गुफा वाली जय माता जी। हाथ जय
माता दी जय कल्याणी जय माता दी मामा रानी जय माता दी पिंडी रानी जय माता दी वैश देवी जय माता दी मामा काली जय माता दी छप्पर वाली जय माता दी शक्ति जननी जय माता दी लक्ष्मी मैया जय माता दी लक्ष्मी द्वारी जय माता दी 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 विद्यानंदी जय माता दी ज्ञाननंदी जय माता दी बुद्धि जननी जय माता दी भक्ति जननी जय माता दी जय जय जगदम्बे 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 भक्तिया दुर्गा वाली माता श्री सदा जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जन बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना द्वितीय राजगणे तृतीय सुना शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय मां आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं आठ पहर सो सतगणी दियो चरणा दा ग्रान जय Thank you.
चक्रगदेशु चाप परिणा चूलंब जुंडिंचरा शंखम संदेन्द्र सर्वांग भूषा पिता नीलाश्वंतुलिमास्तभागदशिका देवे महाकालिका यावत्सो समिते हरो कमलो हन्तं मधुं केतवम् अक्षसर्पदशुङ्गलेशुकुलशम् पदवं लडुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमतिं च धर्म जलजम् घण्टा सुराभाजनम् शूलं बाजु सुदर्शने च दर्शिं हस्ते सन्नाननम् देवे तैरवमर्दने लक्ष्मी सरोजस्तिका घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् ङ्गणान्तमिलसीताशुतुल्यप्रमा गौरी देह समस्भवान् जगता आधारभूता पूर्वा मध्य सरस्वती मनुबले शुभाभिरत्यागिरि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च तथा त्वमेव त्वमेव विद्या कविनम् त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिद्रानगम्यं वन्दे विश्वमयरं सर्वलोकैकनाथं अद्भुतं केशवं रामनारायणं कृष्णनामोदरं वन्दे माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रे गोविन्द गोपाल मातं किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि हे मई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदाई पंच फुला रानी माता तेरी सदाई सर्वदा भला करने वाली माता तेरी सदाई सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदाई लोंगड़ा बीड़ा कर तेरी सदाई बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय धर्म की जय धर्म की अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव ना हो प्राणियों में सद्भाव ना हो प्राणियों में सद्भाव ना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा सनातन धर्म की जय गो माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता जी। Thank you.
दो सारे साथ में हो गया।